हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। मालपुआ एक राजस्थानी रेसिपी है और मालपुआ कई तरह से बनाया जाता है। आज हम मूंग की दाल के हेल्दी मालपुए बनाएंगे। ये मालपुए खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मालपुआ बनाने के लिए हम लेंगे आधा कप धुली हुई मूंग की दाल, जिसे मैंने अच्छे से धोकर 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगोकर रखा था और अब इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया है। आधा कप मावा, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 कप चीनी, 1/2 कप दूध, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स गार्निशिंग के लिए। अब हम सबसे पहले मालपुए के लिए बैटर तैयार करेंगे और बैटर तैयार करने के लिए हम लेंगे एक मिक्सी जार और उसमें डालेंगे हम मूंग की दाल। अब हम इसमें डालेंगे मावा, मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध हमें सारा एक साथ नहीं डालना है। अब हम सभी को अच्छा बारीक पीस लेंगे। सभी को मिलाकर हमने अच्छे से पीस लिया है और पीसते समय हमने केवल 1/2 कप दूध का यूज किया है और बैटर हमारा बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे और बैटर हमारा रेस्ट करेगा। इसी बीच में हम हमारी चाशनी तैयार करेंगे। गैस ऑन करके पैन में हम डालेंगे 1 कप चीनी, 1 कप पानी। चीनी को घुलने तक चाशनी को पकाएंगे। चीनी घुल गई है, अब हम चाशनी को लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं। चीनी के घुलने के बाद भी हमने चाशनी को 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिया है, तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम चाशनी को अंगूठे और उंगली के बीच में रखकर देखेंगे। चाशनी हमारी चिपकनी चाहिए, तो अभी चाशनी हमारी नहीं चिपक रही है, तो हम इसे 1 से 2 मिनट तक और उबलने देंगे। चाशनी को हमने 2 मिनट और पका लिया है, तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो हम चाशनी को थोड़ा सा उंगली और अंगूठे के बीच में देंगे और इसे हम चिपका के देखेंगे। तो चाशनी हमारी चिपचिपी लग रही है, इसमें तार नहीं बन रहा है, तो हमें तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। चाशनी को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो चाशनी हमारी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। 1/2 घंटा हो गया है और बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम पुए फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके पैन में घी गरम कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हम पुए को तलने के लिए डालेंगे। एक बार में हम केवल 3 पुए को ही फ्राई करेंगे। मालपुए को हम लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब नीचे से मालपुए में गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा, तो हम इन्हें पलट देंगे। नीचे से पुए में गोल्डन कलर दिख रहा है, तो अब हम इसे पलट देते हैं। और आप देख सकते हैं कि पुए पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसे एक साइड से और अच्छे से फ्राई करेंगे। पुए हमारे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। आप इसका एक्स्ट्रा घी दबाकर निकाल दें और इसे एक प्लेट में निकालें। अब हम और पुए फ्राई करेंगे। इन्हें भी लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे। जो पुए हमने फ्राई कर लिए, इन्हें हम चाशनी में डाल देंगे गरम गरम ही, और इन्हें हम 2 मिनट तक चाशनी में डुबा रहने देंगे।
अब हम मालपुओं को पलटेंगे। और इन्हें दूसरी साइड से भी अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। वे हमारे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो इन्हें भी अब हम निकाल लेते हैं। अब जो पुए हमने चाशनी में डाले थे उसी में हम ये वाले पुए भी चाशनी में डाल देंगे। और पहले वाले पुओं को हम चाशनी में से निकाल देते हैं। हमें पुओं को केवल 2 से 3 मिनट ही चाशनी में डुबो कर रखना है। अब हम इसी तरह बचे हुए बैटर के भी पुए फ्राई करेंगे और 2 से 3 मिनट पुओं को चाशनी में डुबो कर निकाल लेंगे। सारे पुओं को हमने फ्राई कर चाशनी में डुबो कर निकाल लिया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम मालपुओं को थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। लीजिए तैयारे मूंग की दाल के मालपुए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।